अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरशाद कासम खैर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी इलेक्शन हो चुके हैं और आज 10 तारीख है और आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी बड़ी तादाद में जीते हैं, 99 सीटें जीते हैं आज़ाद, वो उम्मीदवार जिनको PTI की हिमायत हासिल है। अच्छा जी, अब ये होगा कि कल से आपने देखा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की रात भर मुलाकात हुई और फिर कल रात को मियां साहब ने बात भी की कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को टारगेट दिया है कि वो मौलाना साहब से और खालिद महमूद सिद्दीकी उन लोगों से मुलाकात करें ताकि मखलूत हुकूमत बना सके हम। अच्छा जी, अब मखलूत हुकूमत तो बन जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। अब रही बात उन लोगों की, बल्कि उन बिचारों की, उन मासूम लोगों की जिन्होंने आज़ाद लोगों को वोट दिया है। समझ नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, वो रोएंगे, हंसेंगे, घबराएंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इन लोगों की। क्योंकि अगर आज़ाद को आपने वोट दिया है तो 3 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब 2 दिन गुजर चुके हैं और 1 दिन बाकी है, अब किसको ज्वाइन करेंगे? तो जमात इस्लामी को ज्वाइन करेंगे या काप लीग को? शेख रशीद साहब तो हार चुके हैं उनकी पार्टी की, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या MQM को या JUI को, इन लोगों को, या जमाती जो बलूचिस्तान की जो जमाती है या सरहद की NPA जमात जो है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर ये अपने आप को मुस्तकम करना चाहते हैं और अपोजिशन पे बैठना चाहेंगे तो उनको ये करना पड़ेगा, चोरों के साथ मिलजोल कर बैठना पड़ेगा। बकौल इनके ये जो कहते रहते हैं कि भाई ये चोर पार्टियाँ हैं तो इन चोर पार्टियों के साथ मिलकर इनको बैठना पड़ेगा, वगरना जो जीते हैं इनके सिवाय जीतने के और कोई खुशी नहीं है। यकीन जानिए और कोई खुशी नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, इनकी पार्टी बैन हो चुकी है और ना इनको कोई इंतखाबी निशान है, कुछ भी नहीं इनके पास है। तो अब सिवाय इनके खुशी मनाने के और कुछ भी इनके पास नहीं है, ठीक है ना। और शायद ही अगली बार जब वो दोबारा जीतने की कोशिश करेंगे तो फिर भी यही हाल होगा। इन्होंने बेचारों ने कुछ किया नहीं, वो किसी जमात में नहीं होंगे तो कुछ किया कैसे होगा इन्होंने। तो अब ये होगा, बोरियाँ लगेगी, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये लोग बोरियाँ लगाएंगे और बड़ी कीमत पे लगाएंगे। लाजमी बात है, जिस आदमी ने 3 से 3.5-4 करोड़ रुपये लगाए हैं तो उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए थोड़ी लगाए, उसने क्या ख्याल है आपका, मेरे लिए लगाए हैं, आपके लिए लगाए नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगाए हैं पैसे। अगरचे उन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया है, अगर इमरान खान होते तो शायद आज का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अब इमरान खान नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है, इनका कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो अब ये बोलियाँ लगेगी, लाजमी बात है 3-3.5-4 करोड़ लोगों ने लगाए आज़ाद उम्मीदवारों ने, अब इनकी बोलियाँ लगेंगी, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 20 करोड़, और जो जितना बड़ा टप्पर होगा ना उसका इतना वीडियो बढ़ेगा। तो अब PTI वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है और क्या इनको करना चाहिए।